हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्लैक वाटर लेक। तो कहानी शुरू होती है ब्लैक वाटर लेक से, जहां में बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यहां से सीन शिफ्ट होता है एडम, ग्रे और जूली पर। ये लोग अपने घर से पिकनिक के लिए आज एक जू में जा रहे हैं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि एडम और ग्रे असल में एक कपल हैं और जूली ग्रे की बहन है। तो इन तीनों लोगों ने कई दिनों से एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया था, तो आज इनका प्लान है कि ये जू में थोड़ा टाइम साथ बिताएंगे। कुछ ही देर की ड्राइव के बाद ये लोग फाइनली जू में एंटर करते हैं, जहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा भीड़ जमा है, क्योंकि सभी लोगों को एक अलग ब्रीड के क्रोकोडाइल को देखने के लिए आए हैं, जिन्हें स्पेशली एशियन कंट्री से मंगाया गया है। वो तीनों उसी जगह में काफी एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है और तीनों को हम एक कैफे में देखते हैं, जहाँ जूली पूछती है कि अब हम कल कहाँ जाएंगे। तो एडम उन्हें जू से थोड़ी दूर पर एक ब्लैक वाटर लेक के बारे में बताता है, जो बहुत ही खूबसूरत रिवर है, और वो कहता है कि कल हम वहीं पर जाएंगे। यहाँ उसी रिवर की बात हो रही है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, पर उस रिवर में ऐसा क्या खास है, वेल ये तो हमें आगे पता चलेगा। उस रात ग्रे को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात एडम को नहीं बताती। असल में वो उसे ट्रिप के एंड में इस बारे में बताएगी सही मौके पर। अगली सुबह वो लोग उस रिवर के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां तक पहुंचने में इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन ये लेट हो चुके हैं क्योंकि जो बोट इन्हें उस रिवर के टूर करवाने वाली थी वो असल में 5 मिनट पहले ही निकल चुकी है। तो अब एडम के पास वापस जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है, लेकिन तभी वहाँ उन्हें ली नाम का आदमी मिल जाता है, जो उनसे कहता है कि आप लोगों को फिशिंग ही तो करनी है, तो वो चीज़ मैं भी करवा सकता हूँ, आप तीनों मेरी बोट से चल सकते हो। एडम पहले तो थोड़ी देर तक सोचता है, लेकिन बाद में मान जाता है, जिसके बाद ली और एडम कुछ सामान लेने के लिए अंदर जाते हैं। इसी दौरान ग्रे जूली को प्रेग्नेंट होने वाली बात बताती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन वो ये बात अभी एडम को ना बताने को कहती है। कुछ देर बाद जूली ली को एक बंदूक रखते हुए देखती है, वो थोड़ी सी घबरा जाती है आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे इस बारे में पूछने का मौका ही नहीं मिलता। अब तीनों उस बोट पर बैठकर रिवर के अंदर जाने लगते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। चारों तरफ नेचर था और ताज़ी हवा थी। अब एक जगह रुककर फिशिंग करते हैं, पर वहाँ इनके हाथ कुछ नहीं आता, तो ली कहता है कि अगर हम थोड़ी और अंदर जाएं तो वहाँ हम अच्छी फिशिंग कर सकते हैं। तो एडम उसे और अंदर ले जाने को कहता है, और यहाँ ये लोग उसी ब्लैक वाटर लेक के बीच में आ चुके थे। अब इसके बाद ये लोग फिशिंग करना शुरू करते हैं। सभी लोग बहुत ही खुश थे, और खासकर ग्रे, क्योंकि अब वो माँ बनने वाली थी। वहीं ली एडम को बताता है कि यहाँ पे काफ़ी क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, इसलिए मैं अपने साथ बंदूक लेकर आया हूँ। तो वो उसे हंसते हुए कहता है कि अरे यार, तुम इतना डरते क्यों हो, कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग बस यहाँ पे एंजॉय करेंगे और निकल जाएंगे। अब एक घंटा बीत जाता है, पर यहाँ गौर करने वाली बात यही थी कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, आसपास सन्नाटा बढ़ता जा रहा था, जो कि काफी शॉकिंग था। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी बोट से कोई चीज जोर से टकराती है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो चीज दोबारा टकराती है तो उनकी बोट ही पलट जाती है। सब लोग पानी में गिर जाते हैं। पानी का लेवल ज्यादा होने की वजह से उन्हें ऊपर आने में थोड़ा समय लग जाता है, पर जब वो ऊपर आते हैं तो वहां ली मौजूद नहीं था। तभी अचानक से ग्रे देखती है कि एक बड़ी सी चीज ली की लाश को खींचते हुए दूर ले जा रही है, और उसे देखकर एडम और ग्रे पूरी तरह से डर जाते हैं और एक पेड़ पर चढ़ जाते, लेकिन वही जूली अभी भी पानी में थी। अब वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, तो एडम उसे पलटी हुई बोट के ऊपर चढ़ने को कहता है। वो बड़ी ही मुश्किलों से ऊपर चढ़ती है और बिना आवाज करे उस पर ही लेटी रहती है, जब तक थोड़ी शांति ना हो जाए। कुछ देर बाद एडम और ग्रे एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि उस क्रोकोडाइल से बचे रहे, लेकिन जूली अभी भी वहीं फंसी हुई है। अब वो पानी में उतरी कैसे, क्योंकि आसपास ही वो क्रोकोडाइल घूम रहा है। तो ग्रे कहती है कि तुम पानी में उतर कर ऊपर आ जाओ, लेकिन वो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एडम को उस बोट के साइड में एक रस्सी दिखती है, तो वो जूली को कहता है तुम इसे मेरी तरफ फेंको और फिर मैं इसे खींच लूंगा। वो पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को दूसरी तरफ फेंकती है, लेकिन एडम उस बोट को खींच नहीं पाता क्योंकि वो नीचे पत्थर पर अटकी हुई थी। अब वो दोनों उसे कहते हैं कि हम इसे पकड़े हुए हमारे पास आ जाओ, लेकिन जूली इतनी डरी हुई थी कि वो पानी में उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन अब उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वो बड़ी हिम्मत करके उस रस्सी को पकड़ती है और नीचे उतरना शुरू करती है, पर तभी पानी में बुलबुले दिखना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से सहम जाती है और जल्दी जल्दी भागते हुए उन लोगों के पास आखिरकार पहुंच ही जाती है। अब ग्रे एडम से कहती है कि हमें यहीं वेट करना चाहिए, अगर कोई फिशिंग करने आएगा तो वो हमें देख लेगा, लेकिन वो इनकी हिम्मत बढ़ाने के अलावा उनका हौसला तोड़ देता है, ये कहते हुए कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमें किसी ने नहीं देखा, तो हम यहाँ फंसे हुए हैं, इस बारे में किसी को पता नहीं है, हमें जो भी करना होगा खुद ही करना होगा। इसी दौरान उन्हें पानी में एक बार कुछ और हलचल सुनाई देती है, जिसे वो उस पेड़ के थोड़ा और ऊपर चढ़ जाते हैं।
वेल यहाँ आप सबकी जान खतरे में है, सभी को इसी बात की टेंशन है, लेकिन यहाँ एडम को मलेरिया ना हो जाए इस बात का ज्यादा डर लगा होता है, इसलिए अपने साथ लाए हुए स्प्रे को भी लगाता है। अब इसके बाद ग्रे कहती है कि हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठ नहीं सकते, हमें इस बोट को सीधा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम यहाँ वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन एडम ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिसे ग्रे थोड़ा गुस्सा भी होती है, पर वो कहती है कि फिर हमें इन पेड़ों के सहारे से आगे बढ़ना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन यहाँ उसका साथ कोई नहीं देता तो वो अकेली आगे जाने लगती है। रास्ता देखने के लिए वो बड़ी समझदारी से पेड़ों की टहनियों के सहारे आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक जगह पे ये पेड़ भी खत्म हो जाते हैं और वहां से रिवर शुरू हो जाती है, यानी कि इन्हें इस बोट को सीधा करना ही पड़ेगा वरना ये यही मारे जाएंगे। अब जब वो वापस आ रही होती है तो उसे पानी में कोई चीज दिखती है, वो उसके ऊपर से पत्ते हटाती है तो वहां इंसान का कान था, जिसे देखकर वो फौरन अपने लोगों के पास आ जाती है, तो ये शायद ली का कान हो सकता है। अब तीनों उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं। समय बीतने लगता है तो एडम अब ग्रे से कहता है कि मैं नीचे जाकर उस बोट को सीधे करता हूँ, तभी कुछ होगा, तुम्हें यकीन करना होगा कि हमें यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा। लेकिन ग्रे उसे वहां जाने से मना करती है क्योंकि वो डर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो भी मान जाती है क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो अब एडम धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, वो उस रस्सी को पकड़कर उस बोट तक पहुंचने लगता है। उसी दौरान उसके पैर से कोई बड़ी सी चीज टकराती है, लेकिन वो बिना डरे आगे बढ़ता रहता है और आखिर में वो उस बोट तक पहुंच ही जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि ये बोट तो बहुत ही भारी है, इसे अकेले तो सीधा नहीं किया जा सकता, और वो उन दोनों को नीचे बुला भी नहीं सकता। वो फैसला करता है कि वो पानी के नीचे जाएगा और नीचे जाकर उसे सीधा करेगा। तो वो सांस रोक कर नीचे जाता है, पर इसी दौरान हमें नीचे कोई अजीब सी चीज दिखती है, जिसे पूरी बोट हिलने लगती है और कुछ ही पल में बोट सीधी हो जाती है। लेकिन एडम ऊपर नहीं आता। अब ये देखकर ग्रे घबरा जाती है, पर तभी अचानक से एडम ऊपर आ जाता है, जिससे कि उसकी सांस में सांस आती है, पर ज्यादा देर तक नहीं, और पलक झपकते एक क्रोकोडाइल उसे दोबारा से अंदर खींच कर ले जाता है। अब ये देखकर दोनों पूरी तरह से सहम जाते हैं, और खासकर जूली तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और कुछ ही देर बाद वो क्रोकोडाइल उसकी बॉडी लेकर ऊपर आता और फिर से लेकर नीचे चला जाता है, और ये मंजर देखकर ग्रे तो पूरी तरह से सहम जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो दोनों वहीं पेड़ पर बैठे रहते हैं। इसी बीच जूली कहती है कि हम अब यहीं मारे जाएंगे, कोई नहीं हमें बचाने आने वाला है, और मैंने पहले ही तुम लोगों से मना किया था कि यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और ये सब बातें होते हुए वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ग्रे कहती है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, बस हमें कैसे भी करके उस बोट तक पहुँचना पड़ेगा। वो एक पेड़ की टहनी लेके नीचे जाती है और उस रस्सी को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, पर वो अभी भी दूर थी। तभी जूली को पानी में बुलबुले दिखाई देते हैं और वो फौरन ग्रे को ऊपर बुला लेती है। यहाँ ग्रे को बड़ी टहनी चाहिए थी जिसे वो उस रस्सी के पास पहुंच सके, तो वो एक बड़ी सी टहनी को तोड़ने के लिए थोड़ा आगे जाती है। तभी अचानक से क्रोकोडाइल छलांग मारकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वो हड़बड़ा जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन सही मौके पर जूली उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो उसका खाना बनने से बच जाती है। अब समय और बीतने लगता है और उस लेक का पानी इतना काला था कि उसे कोई भी चीज आ जाए उसे आसानी से देखा नहीं जा सकता था। अब ग्रे कहती है कि हमें जल्दी से उस रस्सी को अपने पास लाना होगा, वरना वो बोट धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही है। इसी दौरान उन्हें कुछ दूरी पे एडम की लाश तैरते हुए दिखती है। वो उसे देखकर और रोने लगती है। कुछ समय पहले ही दोनों साथ में थे और अब वो मर चुका है। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो फादर बनने वाला है। वेल, अब धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है और कुछ ही समय बाद रात हो जाती है। शायद ये रात इन दोनों को आज से हमेशा याद रहने वाली है, अगर ये जिंदा रहे तो। अब मौसम भी बिगड़ने लगता है और तेज बारिश के साथ साथ बिजली भी कड़कने लगती है। ग्रे और जोली उसी पेड़ पर अभी भी बैठे हुए हैं, तभी अचानक न जाने कहाँ से ढेर सारे क्रोकोडाइल आ जाते हैं और वहीं पड़ी ली और एडम की लाश को नोच नोच कर खाने लगते हैं। ये सब दोनों देख रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल चुपचाप बैठना पड़ता है, और अगर इन्होंने शोर मचाया तो इनकी भी जान उस क्रोकोडाइल के मुंह में होगी। ये सारा मंजर देखकर जूली पूरी तरह से टूट चुकी थी। वेल, किसी तरह से ये मंजर गुजर जाता है। अब सुबह हो जाती है और ग्रे कहती है कि हमें अब कुछ करना ही होगा, खतरा बढ़ता जा रहा है। तो जूली कहती है कि ठीक है, हम उस बोट तक जाते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अब वो बहुत दूर जा चुकी है, वहां तक पहुंचने से पहले वो उन्हें खा जाएगा, इसलिए वो उसे कहती है कि हमें वहीं जाना होगा जहां से हम आए थे। तो वो दोनों बड़ी ही होशियारी से पेड़ों का सहारे से तो वो दोनों बड़ी ही होशियारी से पेड़ों का सहारा लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन कल की बारिश की वजह से पानी का लेवल ऊपर आ चुका था, जिस वजह से वहां के पेड़ डूब गए थे।
और अब उनके आगे का रास्ता भी खत्म हो गया था, उन्हें पानी में तैर कर आगे जाना होगा। दोनों गॉड का नाम लेकर पानी में उतरते हैं और थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने वही क्रोकोडाइल आ जाता है और ये दोनों अपनी जगह से हिलते ही नहीं, जिसे वो बिना कुछ करे पानी में वापस चला जाता है। जिसके बाद दोनों फौरन दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इसी बीच वो दोबारा आ जाता और इस बार ही उसने ग्रे को पकड़ लिया था। वो उसे पानी में ले जाने लगता और इधर जूली इतनी तेज से चिल्लाती है कि वो क्रोकोडाइल उसे छोड़ देता है और वो उसे लेकर भाग कर वापस पेड़ पर आती है। यहाँ ग्रे के पैर में बहुत गहरा घाव हो गया था जिसे उसका खून बहता ही जा रहा था। अगर उसे जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो मारी जाएगी। अब इसी दौरान उसे एक बोट की आवाज भी सुनाई देती है, तो ग्रे फौरन कहती है कि जाकर उसे आवाज लगाओ, लेकिन वो बोट वाले इनकी आवाज सुन नहीं पाते, जिसके बाद जूली अपना गुस्सा उस बोट पर निकालने लगती है जिसे वो आई थी। अब इसी दौरान उसे फिर से पानी में हलचल सुनाई देती है, वो मगरमच्छ दोबारा से आ चुका था। जूली दूर से ही ग्रे को कहती है कि अपना पैर ऊपर करो, लेकिन वो बेहोश थी इसलिए उसे सुनाई नहीं देता। दरअसल जो खून ग्रे के पैरों से निकल रहा था उसकी स्मेल सूंघकर वो उसके पास आ गया था, इसलिए वो भागकर अपनी बहन के पास आती है और उसकी चोट पर एक कपड़ा बांधती है जिससे कि ज्यादा खून ना बहे। तब तक ग्रे को भी होश आ चुका था, तो वो जूली से उस बोट के बारे में पूछती है और वो बताती है कि वो बोट जा चुकी है। वो उसे वैसे ही बैठा कर पानी में दोबारा उतरती है और उस बोट की तरफ जाने लगती है। धीरे धीरे करके वो उसके करीब आते जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे उतना ही डर लग रहा था कि कहीं वो क्रोकोडाइल दोबारा ना आ जाए, पर ऐसा होता नहीं है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और फौरन उसके अंदर भरे पानी को बाहर निकालने लगती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हो नहीं पाता। इसी दौरान उसकी नज़र लेक पर पड़ती है जहाँ का पानी अब हिलने लग गया था, यानी कि उसे पता चल गया है कि जूली बोट पर आ चुकी है। वो जल्दी से बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रोकोडाइल उसकी बोट के ऊपर आ जाता है, जिसे जूली डर के नीचे गिर जाती है और भागने लगती है, लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेता है और थोड़ी देर के लिए स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जूली की जब आँख खुलती है तो वो जिंदा एक किनारे पर पड़ी हुई थी, उसकी साइड में ली की आधी कटी हुई लाश पड़ी थी, जिसे देखकर वो हल्का सा डरती भी है। इधर हम एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि जूली की एक हाथ की उंगली टूट चुकी है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। उसे याद आता है कि ली ने अपने साथ एक बंदूक रखी थी, तो वो उसके पॉकेट को चेक करती है और उसे वो बंदूक मिल जाती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है और फिर वो उस क्रोकोडाइल को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, पर वो क्रोकोडाइल भी चालाक था, वो उसके पास नहीं आता। तो वो ली का एक हाथ को उखाड़ लेती है और फिर उसे पानी में डालकर एक बार फिर से अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, और इस बारी वो क्रोकोडाइल झांसे में आ जाता है, लेकिन उसके सामने नहीं बल्कि उसके पीछे से। जैसे ही जूली मुड़ती है वो उस पर हमला कर देता है, तो उसने भी चालाकी कर दी थी यहाँ पर। वेल, यहाँ जूली गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक के अंदर कीचड़ जमा होने की वजह से वो जाम हो चुकी थी और चल नहीं पाती। जूली अब भागना शुरू करती है पानी में, वो क्रोकोडाइल भी उसके पीछे पीछे था। कुछ ही देर बाद क्रोकोडाइल उसके करीब आकर उसे पकड़ लेता है और फिर बड़ी ही तेजी से उसे नीचे ले जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक गोली चलने की हम आवाज़ सुनाई देते हैं और बूम, जिसके बाद दोनों ऊपर आ जाते हैं और जूली ने आखिरकार उस क्रोकोडाइल को गोली मार दी थी, जिससे कि उसकी जान बच गई थी। वो फौरन बोट लेके ग्रे के पास आती है, पर तभी वो देखती है कि खून बहने की वजह से ग्रे की मौत हो गई है। अब ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है और उसको पकड़कर रोने लगती है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी लाश को उसी बोट पर रख लेती है और फिर वहां से खुद उसे चलाकर टाउन आ जाती है, और इसी तरह से उसने खुद की जान बचा ली थी अपनी हिम्मत की मदद से। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी साल 2003 में हुई एक घटना पर आधारित है। उस समय तीन टीनेजर इसी ब्लैक वाटर लेक में आए थे जहाँ पे टूरिस्ट का आना मना था। हालांकि उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था, पर उनका एक साथी मारा गया था। वो पूरे 22 घंटे तक ऐसे ही पेड़ पर बैठे रहे थे। अब इन लोगों ने तीन गलतियां की थी। एक तो इस ट्रिप पर अपना फोन लेकर नहीं आए थे, दूसरा इन्होंने उस फेरी का वेट नहीं किया था, अगर कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। तीसरी गलती, ये जिस जगह पर फंसे हुए थे वहाँ टूरिस्ट का जाना मना था, पर फिर भी ये लोग वहाँ गए। तो मेरा सवाल आपसे है, अगर आप ऐसी जगह पर फंस जाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे खुद की जान बचाने के लिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। वेल, इस वीडियो पे एम करते हैं 250 कमेंट का, कमेंट जरूर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।